हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी लेक्चर 2.0 में। आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे एक नए टॉपिक के बारे में, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, जिसको हिंदी में बोलें तो जीवाणु कहते हैं और इंग्लिश की बात करें तो बैक्टीरिया कहते हैं। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, तो बिना कुछ देरी किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो बैक्टीरिया है उसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। हम लोगों को पढ़ना है इनके लक्षण, करेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं, और इनके पौधों की तरह लक्षण होते हैं, यानी कि जीवाणु जो होते हैं पौधों की तरह भी कार्य करते हैं। तो पौधों की तरह कैसे कार्य करते हैं या पौधों की तरह लक्षण कैसे होते हैं वो देखेंगे, और इनकी ऑकुरेंस देखेंगे कहाँ कहाँ ये पाए जा सकते हैं, साइज देखेंगे, ठीक है, और बैक्टीरिया के फॉर्म देखेंगे, रूप देखेंगे, कितने रूपों में बैक्टीरिया पाए जा सकते हैं। तो आइए बात करते हैं, सबसे पहले बैक्टीरिया क्या है। जीवाणु यानी बैक्टीरिया, जीवाणु क्या है कि जीवाणु वे सूक्ष्म जीव हैं, यानी कि ये कैसे होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, बहुत छोटे छोटे से, यानी कि इनको माइक्रोस्कोपिक होते हैं, माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं। तो जीवाणु वे सूक्ष्म जीव हैं जिन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है, यानी कि माइक्रोस्कोप से केवल देखा जा सकता है। ऐसे छोटे से जीव को हम लोग बैक्टीरिया या जीवाणु कहते हैं। जीवाणु का अध्ययन, यानी कि जीवाणु का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को हम लोग क्या कहते हैं, जीवाणु विज्ञान, बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी के नाम से जानते हैं। यानी कि जीवाणुओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियोलॉजी। अब हम लोग कुछ उनके सामान्य लक्षण के बारे में बात करेंगे, यानी कि जीवाणु के जो सामान्य लक्षण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानकारी करने वाले हैं। पहले तो इसकी बात करें कि ये कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं। तो जो बैक्टीरिया आपके होते हैं, जो बैक्टीरिया ये सर्वव्यापी होते हैं, सर्वव्यापी का मतलब ये होता है यानी कि सभी जगह पाए जाने वाले, जिस जगह भी देखें आप तो ये कहीं भी पाए जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में भी, बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर में भी, सभी जगह पाए जा सकते हैं, जो जल में भी पाए जाते हैं, थल में भी, वायु में, यानी कि सभी जगह सर्वव्याप्त हैं, सर्वव्यापी हैं। जीवाणु बर्फ तथा गर्म जल के झरनों, यानी कि गर्म जल इतना जल कि लगभग 80 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम में हो तब भी ये जीवित रह सकते हैं। इनकी बात करें तो इनमें पेप्टाइडोग्लाइकन, यानी कि पेप्टाइडोग्लाइकोन एक पदार्थ है, इसकी बनी सेल वाल होती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है इनके अंदर उपस्थित रहती है, और इस भित्ति का पाए जाने के कारण, ये भित्ति जो पाई जाती है, इस भित्ति के पाए जाने के कारण ही इन्हें प्लांट जगत में रखा जाता है, ठीक है, किस में रखा जाता है, प्लांट में, इनके ऊपर भित्ति पाई जाती है। भित्ति क्या है, भित्ति जैसी संरचना क्या होती है, यानी कि सेल्स कोई हो, ऐसे ये मान लीजिए सेल्स है, और इस सेल्स के ऊपर अलग से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर अलग से एक कोई भित्ति हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति। तो इनमें पेप्टाइडोग्लाइकोन की बनी कोशिका भित्ति होती है, इसीलिए इनको किस पर जगत में रख सकते हैं, पादप जगत में हम लोग रखते हैं इनको। तो अन्य जीव, ठीक है, अन्य जीव से भिन्न होती है इनमें, ये अन्य जीवों से भिन्न, इनकी कोशिका भित्ति में क्या क्या पाया जाता है, ये किसकी बनी होती है, एक होता है आपका एस्टिल ग्लाइकोसामीन, यानी कि एक पदार्थ इसमें होता है एस्टिल ग्लाइकोसामीन, और तथा दूसरा पदार्थ जो होता है वो होता है एस्टिल म्यूमेरिक अम्ल। इन दो चीज़ों से, इन दो नामक प्रमुख शर्करा व्युत्पन्न, यानी कि ये दो शर्करा व्युत्पन्न है, एक पहला आपका है एस्टिल ग्लूकोसामीन और दूसरा आपका है एस्टिल म्यूमेरिक अम्ल। ये दो चीज़ों से मिलकर, ठीक है, ये दो चीज़ों से मिलकर आपकी कोशिका भित्ति बनी होती है ये बैक्टीरिया की। ये सभी जो बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया इन बैक्टीरियों में जो कोशिकांग होते हैं, सभी कलायुक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, यानी कि कोशिकांग की बात करें, यानी कि कोशिका के अंदर जो कुछ ऑर्गेन्स पाए जाते हैं, अंग पाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं कोशिकांग, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, लवक, गोल्जी का है, ये जो कोशिकांग होते हैं, तो इनके अंदर जो कोशिकांग होते हैं वो कोशिकांग कैसे होते हैं, कलायुक्त नहीं होते, इनके ऊपर अलग से झिल्ली नहीं होती है,
सभी कलायुक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, इस प्रकार इनमें एकल कलातंत्र पाया जाता है, यानी कि यूनिट मेम्ब्रेन सिस्टम होता है, एकल कलातंत्र होता है, इनकी इनके ऊपर कोई भी कला यानी कि आवरण नहीं पाया जाता है। इनका अनुवांशिक पदार्थ, इनमें जो अनुवांशिक पदार्थ होता है वो कैसा होता है, एक वलयाकार यानी कि सिंगल स्टैंड होता है, यानी कि डीएनए कैसा होता है, सिंगल स्टैंड डीएनए होता है, अनुवांशिक पदार्थ डीएनए कहते हैं। डीएनए पाया जाएगा जैसे मैमल्स में ये होता है, ऐसे द्विध्रुवीय होता है, ठीक है। लेकिन इनकी बात करें जीवाणु की, तो जीवाणुओं में ये कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है डीएनए, यानी कि एक ही स्टैंड होगा इसका, कैसा होगा, एक स्टैंड होगा, डबल स्टैंड नहीं होता है। तो ये इसकी वलय कैसी पाई जाती है, इनका अनुवांशिक पदार्थ कैसा होता है, वलयाकार डीएनए यानी कि सिंगल स्टैंड होता है, इनका डीएनए होता है वलयाकार रहेगा पर सिंगल स्टैंड होता है, जिसमें हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होती है। कौन सी प्रोटीन, डीएनए में प्रोटीन पाई जाती है हिस्टोन, जो कि बैक्टीरिया के डीएनए, बैक्टीरियल डीएनए होगा उसमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है। इसे न्यूक्लियोइड, किसके नाम से जानते हैं, इसे न्यूक्लियोइड प्रोक्रोमोसोम या जीनधर यानी कि जीनोफोर भी कहते हैं। किसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड या प्रोक्रोमोसोम या जीनधर, या फिर कहें इसको इंग्लिश में तो जीनोफोर भी कहते हैं। इनमें केंद्रक कला, केंद्रक द्रव, केंद्रका तथा क्रोमेटिन अनुपस्थित होते हैं। अगर इसकी बात करें हम लोग तो इनमें क्या क्या नहीं पाया जाएगा, केंद्रक कला नहीं पाई जाएगी, केंद्रक द्रव नहीं पाया जाएगा, केंद्रका नहीं पाई जाएगी और क्रोमेटिन अनुपस्थित होते हैं। पहली बात तो ये बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोटिक जीव है, और प्रोकैरियोटिक सेल्स में केंद्रक नहीं होता है और ना ही उसके कोशिकांग झिल्ली युक्त होते हैं। इनमें राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं। कौन से राइबोसोम होते हैं, इनमें राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं, जो कोशिका द्रव में स्वतंत्र रूप से रहते हैं। कैसे रहते हैं, जो 70S प्रकार के जो राइबोसोम होंगे वो कोशिका के अंदर फैले रहते हैं, स्वतंत्र रूप से बिखरे रहते हैं। ये प्रायः पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम के रूप में उपस्थित रहते हैं, यानी कि 70S राइबोसोम आपके हैं, ये राइबोसोम कैसे इस कोशिका के अंदर पॉलीसोम या फिर पॉलीराइबोसोम के रूप में प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि इनके अंदर जो पाया जाने वाला राइबोसोम है वो किस नाम से जाना जाता है, पॉलीराइबोसोम के रूप में जानते हैं उसको। जो जीवाणु होते हैं, जीवाणु में जीव द्रव कला कुछ जगहों पर अंदर की ओर वलित होकर मध्यकाय का निर्माण करती है, यानी कि जो जीवाणु होते हैं, जीवाणु में जीव द्रव कला, अगर जीवाणु का आपने स्ट्रक्चर देखा होगा तो जीवाणु का स्ट्रक्चर भी हम लोग बात करेंगे उसके बारे में। ऐसे मान लीजिए बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल में कहीं कहीं पर जगह जगह ऐसी करके संरचना पाई जाती है, ये जो कला होती है अंदर की तरफ धस के गड्ढा से बना लेती है जगह जगह पर, उसको आप कहते हैं मध्यकाय या मीसोसोम का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं, मध्यकाय या मीसोसोम का निर्माण करती हैं। इन पर उपस्थित श्वसन एंजाइम, रेस्पिरेटरी एंजाइम श्वसन में भाग लेते हैं, यानी कि जो मध्यकाय होते हैं, मध्यकाय में क्या पाया जाता है, श्वसन एंजाइम पाए जाते हैं, और श्वसन एंजाइम श्वसन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। इनमें पोषण संपोषी अथवा विषमपोषी प्रकार का होता है, ये पोषण जो करते हैं, न्यूट्रिशन जो करते हैं वो कैसा होता है, संपोषी होता है या फिर विषमपोषी प्रकार का होता है, या फिर स्वपोषी होता है या स्वपोषण कर सकते हैं, या फिर ये क्या कर सकते हैं, विषमपोषी होते हैं, दूसरों पर निर्भर रहने वाले। और संपोषी का मतलब होता है जो खुद पर ही निर्भर रहे, ऐसे जीव को स्वपोषी कहते हैं, जो दूसरों पर निर्भर रहे भोजन के लिए वो विषमपोषी कहलाता है। प्रकाश संश्लेषी भी हो सकते हैं, प्रकाश संश्लेषी यानी कि फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसंश्लेषण प्रक्रिया से, फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से अपना भोजन प्राप्त करते हों। स्वपोषी जीवाणुओं में हरित लवक न होकर एक लैमला रचना वाले अनेक थैलेकॉयड जीव द्रव में उपस्थित रहते हैं, यानी कि जो स्वपोषी होते हैं, स्वपोषी होंगे तो उनमें हरित लवक होना चाहिए, तो इनमें हरित लवक नहीं होता है, इनमें हरित लवक न होकर क्या होता है, एक लैमला यानी कि एक लैमला वैसी रचने वाले अनेक क्या होते हैं, थैलेकॉयड जीव द्रव में उपस्थित रहते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं। किसमें सहायक होते हैं, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस में सहायक होते हैं। इनमें जो फोटोसिंथेसिस होता है वो किसके द्वारा होता है, लैमला के द्वारा होता है, जो थैलेकॉयड जीव द्रव में उपस्थित रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, उसके द्वारा होता है इनमें फोटोसिंथेसिस। इनकी गमन की बात करें, ये चलते कैसे हैं, तो प्रचलन कसाव
यानी कि सिलिया के द्वारा होता है या फिर तो फ्लैजला के द्वारा होगा, कसाव का द्वारा होगा या फिर कसाव के द्वारा होता है, यानी कि सिलिया और फ्लैजला। सिलिया फ्लैजला क्या है, जैसे आपने देखा होगा पैरामीशियम को देखा होगा, तो पैरामीशियम के बाहर ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं, ऐसे बाल जैसी संरचना होती हैं, उनको सिलिया कहते हैं। यानी किसी भी जीव के ऊपर लोम जैसी संरचना होना जिसकी सहायता से वो गमन करना, तो उसको सिलिया कहते हैं। और एक बड़ा सा रोमाव होना, ऐसे बड़ा सा एक धागा जैसा होना, ठीक है, उसे आप फ्लैजला कहते हैं। तो इनमें गमन किसके किसके द्वारा होता है, इनमें गमन होगा या तो सिलिया के द्वारा होता है चल सकते हैं, या फिर फ्लैजला के द्वारा चल सकते हैं। जीवाणुओं में प्रजनन प्राय कैसा होता है, द्विविभाजन यानी कि वाई वाइनरी फिजन होता है, यानी कि द्विविभाजन होगा द्वारा होगा संपन्न होता है। ये एक प्रकार का अर्धसूत्री विभाजन है। कैसा है, अर्धसूत्री विभाजन। जीवाणुओं में जो प्रजनन है, ठीक है, वो कैसा होता है, द्विविभाजन, यानी कि एक जीवधारी जब दो जीवधारियों में, एक जीवधारी एक दो में बढ़ जाता है, जैसे एक जीवधारी ये है, ये जीवधारी बीच से, ये बीच से अगर बढ़ जाए, ऐसे अलग अलग हो जाए, ये पार्ट अलग हो जाए इसका, ये पार्ट अलग हो जाए, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, द्विविभाजन। यानी कि एक जीवधारी मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कि ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, ये बैक्टीरिया है, और ये बैक्टीरिया क्या करे, ये डिवाइड हो जाए यहाँ से, कैसा हो जाए, डिवाइड हो जाए यहाँ से, ये बढ़ जाए, ठीक है, दो भागों में, तो इसको क्या कहेंगे, बाइनरी फ्यूजन कहेंगे, द्विविभाजन कहेंगे। तो द्विविभाजन के द्वारा ये क्या होता है, द्विविभाजन के द्वारा ये प्रजनन करता है। और ये कैसा है, ये एक प्रकार का अर्धसूत्री विभाजन है। कुछ विपरीत परिस्थितियों में ये बीजाणु स्पोर भी निर्मित करते हैं, यानी कि कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं विपरीत परिस्थितियों में क्या करते हैं, स्पोर्स का निर्माण करते हैं, जीवाणु का निर्माण करते हैं, जिनसे नए जीवधारी यानी कि नए बैक्टीरिया का निर्माण होता है। नेक्स्ट नंबर की बात करें तो इनमें लैंगिक जनन, इनमें लैंगिक जनन स्पष्ट युग्मकों के संलयन के द्वारा होता है। इनमें लैंगिक जनन कैसा होता है, स्पष्ट युग्मकों के संलयन द्वारा होता है। नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें कैसा होता है, संलयन द्वारा, फ्यूजन द्वारा होता है, यानी कि युग्मक जो होते हैं वो संलयन करते हैं, ठीक है, उसके द्वारा जनन होता है। इनमें आनुवंशिक लक्षणों में परिवर्तन, आनुवंशिक पुनर्संयोजन यानी कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की विधियों द्वारा होता है। यानी कि इनमें जो जनन होगा वो स्पष्ट नहीं होता है, बिल्कुल स्पष्ट मैमल्स की तरह नहीं होगा। इनमें क्या होता है, जो आनुवंशिक पदार्थ होता है, वो आनुवंशिक पदार्थ क्या करता है, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर प्रवेश कराया जाता है, तो वो उसको ही हम कहते हैं आनुवंशिक पुनर्संयोजन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ये कौन कौन सी विधियों द्वारा होता है, इनमें होता है पहली तो एक संयुग्मन है, कॉन्जुगेशन है, दूसरी है रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, तीसरी है पारगमन ट्रांसडक्शन। तीन विधियाँ हैं, इनकी हम आगे बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में बात इनकी नहीं होगी। संयुग्मन है, कंजुगेशन और रूपांतरण है, ठीक है, और पारगमन है। इनके द्वारा, तीन विधियों के द्वारा इनमें क्या होता है, जनन होता है अनुवांशिक पदार्थ का, एक अनुवांशिक एक जीव से यानी कि एक जीवाणु से अनुवांशिक पदार्थ दूसरे जीवाणु में क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है, ठीक है, उसी को कहते हैं हम लोग जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, इसके द्वारा होता है, ठीक है, लैंगिक जनन। अब हम लोग बात करें अगर प्लांट की तरह, प्लांट की तरह इनमें कौन कौन से लक्षण पाए जा सकते हैं, जीवाणु में प्लांट की तरह कौन कौन से लक्षण पाए जा सकते हैं, तो प्लांट जैसे हम लोग लक्षण देखेंगे, प्लांट लाइक एक्टर, यानी कि प्लांट कैसे कहेंगे इसको, तो प्लांट कहने के लिए इसमें कौन कौन सा, जैसे प्लांट वाले गुण होने चाहिए, अगर प्लांट कह रहे हैं जीवाणुओं को, तो प्लांट में जो गुण होते हैं वो इनमें भी गुण होने चाहिए। तो इनमें क्या क्या होता है, देखो कोशिका भित्ति की उपस्थिति होती है, प्लांट में कोशिका भित्ति होती है, इनमें भी कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो इनको हम क्या कहेंगे, फिर प्लांट कहेंगे, क्योंकि प्लांट में अगर कोशिका भित्ति है, इनमें भी कोशिका भित्ति पाई जा रही है, तो इनको भी हम क्या कहेंगे, प्लांट कहेंगे। दूसरी बात करें तो इसमें पौधे की तरह जीवाणु भी कुछ एंजाइम और विटामिनों को संश्लेषण कर सकते हैं, यानी कि प्लांट जो होते हैं वो क्या करते हैं, एंजाइम और विटामिनों को संश्लेषित करते हैं, बनाते हैं, ठीक है, तो जीवाणु भी बना सकते हैं, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, प्लांट कहा जाता है। जीवाणु भोजन को पौधों की तरह घोल के रूप में अवशोषित करते हैं, यानी कि जो जीवाणु होते हैं जो क्या करते हैं, पौधे जो भोजन को घोल के रूप में एब्जॉर्ब करते हैं, घोल के रूप में सोखते हैं, ठीक है, वैसे ही ये जीवाणु भी भोजन को घोल के रूप में अवशोषित करते हैं, इसीलिए इनको प्लांट में रखा जाता है।
कुछ जीवाणु स्वपोषी होते हैं, स्वपोषी यानी कि प्लांट भी स्वपोषी होते हैं और जीवाणु भी स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी का मतलब होता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाना, और कार्बोज लेकर जैविक भोजन का निर्माण करते हैं, यानी कार्बोज को लेकर, कार्बोहाइड्रेट को लेकर क्या करते हैं, जैविक भोजन का संश्लेषण कर लेते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, प्लांट कहते हैं। कुछ जीवाणु कुछ शैवाल की तरह एक रेशा युक्त रचना में विकसित होते हैं, कैसे में, रेशा युक्त रचना संरचना में विकसित होते हैं, यानी कि जैसे प्लांट होते हैं रेशे युक्त संरचना में, फाइबरस मेम्ब्रेन फाइबरस संरचना होती है इनकी, वैसे ही कुछ जीवाणु कुछ शैवाल की तरह, शैवाल जैसे पाए जाते हैं रेशादार, वैसे ही जीवाणु कुछ होते हैं तो इनको प्लांट पर रखा जाता है। इसी वजह से जीवाणुओं में प्रजनन का तरीका कुछ शैवाल और कवक के समान होता है, शैवाल और कवक को प्लांट में रखा जाता है, उन्हीं के समान इनमें लक्षण पाए जाते हैं, ठीक है, कौन सा, प्रजनन, इसी वजह से इनको भी प्लांट में रखा जाता है। कुछ जीवाणु कोशिका के आसपास श्लेष्म झिल्ली की उपस्थिति, जैसे कुछ जलीय पौधे, जलीय पौधे में क्या होता है, जो झिल्ली होती है कोशिकाओं के आसपास श्लेष्म झिल्ली पाई जाती है, वैसे ही कुछ जीवाणुओं में भी पाई जाती है, तो इस वजह से इनको प्लांट में रखते हैं। तो ये प्लांट लाइक स्ट्रक्चर थे, प्लांट लाइक करेक्टर थे, जैसे प्लांट में जो लक्षण पाए जाते हैं वो इनमें भी पाए जाते हैं। इस वीडियो में हमने बात की जीवाणुओं के करेक्टर, जनरल करेक्टर के बारे में, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, स्ट्रक्चर के बारे में नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, उसमें हम बात करेंगे, ठीक है, इनके आकार कैसे होते हैं, इनमें गमन किस प्रकार से होता है, ठीक है, बाकी इन सब की चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।